রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যুক্ত হল লোকতান্ত্রিক জনতা দল। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দুটি দলের প্রধান, এনসিপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি এবং সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সিনহা এবং এলজেডির রাজ্য কমিটির সভাপতি এবং রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ দত্ত যুগ্মভাবে সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য রাখেন। দুটি দলের মূল ভিত্তিই হল জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ। এই পথেই তারা দিল্লির সঙ্গে লড়বে। তাদের দাবি, কৃষকদের শোষণ থেকে মুক্ত করা, তিনটি কালো কৃষি কানুন বাতিল করা, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং ধর্মীয় সন্ত্রাস বন্ধ করা। ভারতের উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিস্তারে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। মূলত গান্ধীজি, নেহরু, আম্বেদকরের আদর্শকে পাথেয় করেই তাদের পথ চলা। এলজেডি স্টেট কমিটির মেম্বার রাফে সিদ্দিকি কি বলেছেন শুনে নেব। আজ লোকতান্ত্রিক জনতা দল কে চুকে হম লোক সদস্য থে আর মানে লফজ ইস্তেমাল কর রহা হুঁ থে লোকতান্ত্রিক জনতা দল জো পার্টি শরদ যাদব কি জি কি পার্টি হ্যায় উস পার্টি নে আজ বঙ্গাল কি জো টিম হ্যায় वो एनसीपी मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज कर गया और हमारी टीम आज पूरी तरह से जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर हम सब हो गए हैं। अब हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के छत के तले, उनके फ्लैग के तले अब हम जो है काम करेंगे। और कांग्रेस और सीपीएम के तरह एक जो जोट होना चाहे बारे में सोचा है हम, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये जोट नहीं था, पहली बात तो आप ये समझिए, ये मर्जर था। ओके, हमारी पार्टी मर्ज कर गई है, अब हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गए। अब हम लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी नहीं रहे, हम फॉर्मर लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के मेंबर्स थे, अब हम राइट नाउ वी आर एनसीपी मेंबर्स। ठीक है, पहली बात तो ये। जहां तक जोट की बात है, ऑलरेडी एनसीपी और लोकतांत्रिक जनता दल जो है, ये जो 16 पार्टी लेफ्ट कांग्रेस अलायंस वाली जो बात कर रहे हैं, वो 16 पार्टी में ऑलरेडी लोकतांत्रिक जनता दल और एनसीपी पहले से ही मौजूद है। तो आज भी अगर हम एनसीपी में है तो मौजूद है उस अलायंस में, लेफ्ट फ्रंट जो है लेफ्ट कांग्रेस अलायंस वाले जो है उस अलायंस में हम मौजूद हैं। तो वेस्ट बंगाल स्टेट में जो सारी जगह है, कहाँ पे आपको मेंबरशिप आपको जो है ना बांटने के लिए आपको क्या कर्मसूची है? ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग बंगाल में 10,000 मेंबर्स हैं। ओके, हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस मेंबरशिप को बढ़ाई जाए। वैसे भी कुछ दिनों में जो है एनसीपी का नेशनल ड्राइव होने वाला है मेंबरशिप का, तो हम करेंगे बहुत जल्द और जो है इसको मेंबर्स बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि एनसीपी जो है कैसी पार्टी है, एनसीपी पे किस क्यों भरोसा किया जाए और क्यों ना किया जाए। ये आपने देखा होगा कि मुंबई में जो है शरद पवार जी महाराष्ट्र में किस तरह से जो है वो आज पा रहे हैं और किस तरह से वो चला रहे हैं, किस तरह से ये जो सरकार है बीजेपी जो एक फासिस्ट फोर्स है, जिस तरह से पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, उनका क्या रोल है शरद पवार जी का, लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल में भी एनसीपी को रिजर्व किया जाएगा। अब इस जगह में आप ममता बनर्जी को क्या वार्ता देना चाहते हैं आपको संगठन से? क्या मैसेज देंगे आप बताइए ना, जो वो कल तक तोड़ते हुए चले आई थी, वो लेफ्ट कांग्रेस को तोड़ ताड़ के उनके पास लेकर आई थी, उन्होंने एक पार्टी बनाया था, आज वहां से टूट टूट के सब चले जा रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि कल टीएमसी पे जो जीत कर एमएलए जाएंगे वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जितने अपॉर्चुनिस्ट हैं वो टीएमसी में बैठे हुए, जब मौका मिला पैसे लिया और बीजेपी में चले गए। अफसोस है, मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, कंट्रोल कीजिए, बचाइए अपनी पार्टी को, वरना पार्टी खत्म हो जाएगी।